चांदन फ्लैट्स की मिल्कियत दस्तावेजात के जरिए साबित करना पड़ेगी। यहाँ करें या फिर ट्रायल कोर्ट में, जस्टिस एजाज अफसल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाज उलहसन ने कहा, नाहली का फैसला दें या मामला नैब को भिजवाएं, शवाहिद का जायजा लेकर फैसला करेंगे। जस्टिस अजमत सईद बोले, जेआईटी ने जो बेहतर समझा सिफारिश कर दी, फैसला अदालत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में पानामा अमल दरामद केस की समाअत कल तक मुलतवी। कतरी वज़ीर ख़ाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात, खलीज की कशीदा सूरत हाल और दो तरफा बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ाजा ने सऊदी मुतालबात पर कतर के मौक़िफ़ से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म कहते हैं, पाकिस्तान और कतर में गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं, तिजारत और सकाफत समेत तमाम शुबों में तआवुन चाहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त काबिले समाअत ही नहीं, वजीर आला पंजाब की नाअहली के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान की दरख्वास्त की बाबर आवान ने पैरवी की थी। सियासी माहौल मजीद गर्म, सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के कारकुन आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, धक्के भी दिए गए। वज़ीर आज़म का किस्सा खत्म, फवाद चौधरी ने कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं, अब कोई मौजूदा ही नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके खानदान को नाअहली और 14 साल कैद की सजा से बचा सकता है। बाबर आवान ने पानामा केस को गेम चेंजर करार दे दिया। हुकूमत पानामा केस को जितना खोलेगी उतना ही फंसती जाएगी। खुर्शीद शाह कहते हैं, जेआईटी रिपोर्ट के 10वीं जल्द खुली तो हुक्मरान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सिर्फ सियासतदानों का नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। कमर जमान कारा ने कहा, वही मुतालबा कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने गिलानी से किया था। जेआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, मरियम औरंगजेब कहती हैं। वजीर आजम के एहसासों का रिकॉर्ड आज भी इदारों की वेबसाइट्स पर मौजूद है। तलाल चौधरी ने कहा कि बिलावल अभी छोटे हैं, वजीर आजम से इस्तीफा नहीं ले सकते। गली गली में शोर है, नियाजी के पीछे कोई और है। बनीगाला में इमरान खान और शेख रशीद की मुलाकात, पैनामा अमल दरामद केस की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शेख रशीद कहते हैं, सिस्टम चलाना है तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से पंगा ना ले। पैनामा केस का फैसला एक हफ्ते में नजर आ रहा है, हुक्मरान इक्तदार का खेल खेल रहे हैं, वॉल्यूम 10 खुलवा कर पछताएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास, सीनियर वुज़रा और मुआविनीन की शिरकत, पानामा केस की समाअत पर गौर। नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात, जीआईटी रिपोर्ट के बाद की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा एजाज़ुल हक ने भी मुलाकात। एसईसीपी रिकॉर्ड टेम्परिंग केस, एफआईए ने एसईसीपी में चौधरी शुगर मिल्स के खिलाफ इंक्वायरी को टेम्पर करने के शवाहिद हासिल कर लिए। लैपटॉप से असल और टेम्पर शुदा रिकॉर्ड रिकवर, लैपटॉप खातून डायरेक्टर माहीन फातिमा के जरिए इस्तेमाल था। अली अजीम अकरम, आबिद हुसैन और माहीन फातिमा के बयानात भी रिकॉर्ड। इस्लामी फौजी इत्तेहाद का क्याम ताहाल अमल में नहीं आया। सेनेट में मुशीर खारजा का पॉलिसी बयान, कहा अभी टीओआरस बने हैं नाराही शरीफ सरबरा, अभी इंसदादे दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हो रही है। इलियास बलोर ने कहा कि पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, चीन भी पाकिस्तान से फायदा उठा रहा है। ताज हैदर बोले, अमरीका ने मुसलमान ममालिक को इस्तेमाल किया। कराची के इलाके लियाकतबाद में पीना स्कूल के करीब 3 मंजिला इमारत जमी बोस, बचे समेत 5 अफराद जान बहक, 7 जख्मियों को आबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 15 अफराद के अभी तक मलबे तले दबे होने का खदशा, 11 घंटे गुजर गए, इमारत का मलबा नहीं हटाया जा सका, रेंजर्स भी इमदादी कार्रवाईओं में मसरूफ। सावन के रंग, तेज बारिश और ठंडी हवाओं के संग
लाहौर, इस्लामाबाद और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश। भिम्बर नाले में तुगयानी गुजरात के करीब आर्जी पुल बह गया। 300 देहात का जमीनी राबता मुनकता। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। रावल डैम में मुर्दा मछलियों का मामला। सिल्वर फिश कैसे मरी पता ना चलाया जा सका। पुलिस की रिवायती सुस्ती, नमूने ही लेबोरेटरी नहीं भिजवाए जा सके। महकमा माही परवरी का एसपी सिटी को कार्रवाई के लिए खत। सियालकोट की तहसील डस्का में सूबेदार बाजार के ताजरों ने अपनी अदालत लगा ली। हव्वा की बेटियों की सरेआम तजलील, शहरी तमाशा देखते रहे। बच्चों के साथ आने वाली तीन खवातीन पर चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद। ताजर खातून को बालों से पकड़कर वीडियो बनवाने पर मजबूर करते रहे। शीरख्वार बच्चे के रोने पर भी खातून को थप्पड़ मारे। पुलिस वाकई से बेखबर। गुजरावाला की डीएचक्यू अस्पताल के डॉक्टरों का अनोखा कारनामा। एक ही बेड पर दम तोड़ने वाले शख्स की डेड बॉडी और मरीज को लिटा दिया। मीडिया पर वाकया रिपोर्ट हुआ तो एमएस अस्पताल भी जाग उठे और इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के अहलकार ने मामूली तल्ख कलामी पर मेजर को गोली मारकर हला कर दिया। मेजर शेखर थापा ने सिपाही का मोबाइल फोन वापस करने से इनकार किया। दोनों में तल्ख कलामी हुई जिस पर सिपाही ने मेजर को गोलियां मार दी। भारतीय सास भी नजर आएगी और बहू भी। लाहौर हाईकोर्ट ने भारतीय ड्रामे दिखाने की इजाजत दे दी। चैनल्स पर भारतीय ड्रामों पर पैमरा की पाबंदी कल अदम करा। चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने फैसला सुना दिया। भारतीय फिल्मों पर पाबंदी नहीं तो फिर ड्रामों पर क्यों है। पैमरा को अपनी पॉलिसी पर नजर आने की जरूरत है। इटली में आसमान मुख्तलिफ रंगों से रंग गया, जिसने भी देखा दंग रह गया। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 48 ममालिक के 150 पैराग्लाइडर्स ने खूब जौहर दिखाए। मेंस और विमेंस दोनों टाइटल फ्रांस के नाम रहे।